चुन्नू और मुन्नू दो मित्र थे। एक दिन चुन्नू मुन्नू के घर आया और लगा मोटू हलवाई की बुराई करने। वो बोला, ये मोटू हलवाई तो जले तेल में जलेबी तलता है और उसे महंगे भाव पर बेचता है। यही नहीं, वो बच्चों को कम तोलकर ठगता भी है। मुन्नू ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, मोटू तो कभी उधार तक नहीं देता, अपनी चिकनी टुकड़ी बातों से सबको ठग लेता है। चुन्नू और मुन्नू ने मोटू हलवाई को सबक सिखाने का उपाय सोचा। चुन्नू और मुन्नू उसकी दुकान पर जा पहुंचे। चुन्नू ने हलवाई से 2 रुपए के लड्डू तुलवाए। जब हलवाई ने पैसे मांगे तो चुन्नू ने हंसते हुए कहा, 10 रुपए ले लो और 12 वापस कर दो। मोटू हलवाई बोला, अबे 10 रुपए देकर तुम 12 रुपए वापस मांग रहे हो? चुन्नू अपनी जिद पर अड़ा रहा। मोटू हलवाई को अंगूठा दिखाकर बोला, मुझे बच्चा समझकर ठगते हो? मैं अभी सब लोगों को इकट्ठा करके तुम्हें पिटवाता हूँ। यदि बचना चाहते हो तो धत्ते पैसे वापस कर दो। चुन्नू की धमकी सुनकर मोटू हलवाई डर गया। इतने में मुन्नू ने लड्डू और जलेबियों के थाल पर हाथ जमाया। वो थाल लेकर भागा। अब आगे आगे मुन्नू और मोटू हलवाई पीछे पीछे। मुन्नू झट पेड़ पर जा बैठा। मोटू हलवाई ने भी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की और बड़ी कठिनाई से आधा ही चढ़ पाया था कि मुन्नू ने डाली झुकाकर छलांग लगा दी। मोटू हलवाई अपने भारी भरकम शरीर की वजह से उसके पीछे ना भाग सका। गुस्से के मारे वो दांत पीसता रह गया। चुन्नू और मुन्नू ने मजे से लड्डू और जलेबियां खाई और अपने दोस्तों में भी बांटी। जब मोटू हलवाई पीछा करते हुए उनके पास आया तो चुन्नू बोला, आज ठगी हुई ठगाई चट कर गए हम सारी मिठाई। बोलो मोटू जी हलवाई, कैसी तुम्हारी रही हसाई।